गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोइम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग। दिस इज द पोइम फ्रॉम बुक ओलिविया क्लास 5। टुडे वी विल ट्रांसलेट इट इन हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पैराग्राफ, लेट्स ट्रांसलेट इट। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग, ट्रीज सबसे दयालु है। वी शुड लर्न फ्रॉम ट्रीज, हमें ट्री से सीखना चाहिए। If we throw a stone on trees, what does it give to us? अगर हम एक पत्थर पेड़ पर फेंकेंगे तो हमें क्या दे? Fruits, फल। If we throw the same stone on the human being, will he give us any fruit? अगर वही पत्थर हम किसी इंसान पर फेंकें तो क्या वो हमें फ्रूट देगा? No, never, नहीं, तभी नहीं। So we should learn that trees are the kindest thing। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि trees सबसे दयालु है। Now recite this poem and find। अब हम इस poem को पढ़ेंगे और ये चीजें इसमें देखेंगे। Trees are the kindest thing I know। They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs। जो trees हैं वो सबसे दयालु हैं। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो आराम से उग जाते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज, और सोई हुई गायों के लिए छाया देते हैं, मतलब उन्हें आराम पहुंचाते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बॉस, और अपनी टहनियों में पक्षियों को इकट्ठा होने देते हैं। मीन्स कि उसमें वो पक्षी घोंसले वगैरह बना के वहाँ पे रहते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक अवर हाउसेज ऑफ एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। वो ऊपर पत्तियों में हमें फ्रूट देते हैं। एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ, और हमें अपने घर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और हैलोवीन का जो एक फेस्टिवल है ईस्टर्न कंट्री में मनाया जाता है, उसके लिए पत्तियाँ जलाने को देते हैं। एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग के सीजन में, बसंत के सीजन में, उस पर नई ग्रीन कलर की कपोले उगाते हैं। दे आर फर्स्ट व्हेन द डे इज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग कैचेस इन टू नाइट। वो दिन में सबसे पहले होते हैं जो उगते हुए सूरज की बीम्स मीनिंग किरणें, जो उगते हुए सूरज की किरणों को टच करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट वैन इवनिंग कैचेज इन टू नाइट, और रात के समय जब सारी रोशनी जा रही होती है तो वही लास्ट में ऐसी चीज है जो उस रोशनी को कैच करती है। एंड वैन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललबाई ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। और जब रात को आसमान में चांद तैर रहा होता है तो वो सोए हुए बच्चों के लिए अपनी मीठी आवाज में लोरियां सुनाती है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। इस तरह मुझे पता है कि ट्रीज सबसे दयालु है। ओके, थैंक यू वेरी मच।